जी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। आपने कहा था वो एसपी अभी हमारे बंगले पर आएगा, अब तक वो आया नहीं। मेरा फोन अब तक उस तक पहुंच गया होगा। ठीक है, उसका इंतजार करते हैं और तब तक हम लोग उसके आने का इंतजार करते हैं। हम ही जानना चाहते सर, आपने मुझे अपनी आवाज पर बुलाया, ऐसा कौन सा जरूरी काम है? आओ एसपी चरण सिंह, हमने आपको अपने आवाज पर किसने बुलाया है, आप ये जानना चाहते हैं ना? जी सर, हम अवश्य भी बतलाएंगे। देखो ऐसा कौन सा जरूरी काम है सर जो आपने हमें याद किया? ऐसा जरूरी काम वो है, हमने सुना है कि आपने अपनी जान की बाजी लगाकर उस ट्रक ड्राइवर मेहमान को अरेस्ट किया है। जी सर, याद है ये सच है? उसको आपने जख्मी किया था, उस ट्रक ड्राइवर को हमने जख्मी किया है, और उसके साथ साथ स्मगलिंग का माल भी है। 40 ट्रक बारियां तोड़कर निकल रहे थे, उन ट्रकों को हमारे सिपाहियों ने, हमारे अफसरों ने जो चेक किया तो उसमें स्मगलिंग का माल था, इसलिए वो रहमान पकड़ा गया, उसे जख्मी किया हमने। और ये कौन है? जानना चाहते हो इनको? जी सर, हमें जानना चाहते इस इनको आप जानना चाहते हैं, आखिर ये कौन है? हम आपको बताते हैं, शख्सियत सामने बैठी मानती
एसपी चरण सिंह, लेकिन आप मेरे रहते हुए सुलेमान संजाने के हाथों में हथकड़ी नहीं लगा सकती, क्योंकि ये तुम्हारा कोई थाना, तुम्हारा कोई ये क्षेत्र नहीं है। ये मंत्री मंत्री महोदय का आवास है, मंत्री का गुना है। अब मुझे मालूम हुआ कानून के नजर में सबसे बड़ा मुस्लिम तो तू एसपी चरण सिंह। आप क्या समझ रहे हैं, चरण सिंह वो इंसान है, कानून और फर्ज के लिए हम अपनी जान भी कुर्बान कर देंगे। माल 50-50 हो जाएगा दोस्त, हक मिले या न मिले, हक मिले या न मिले, चाय को पिलाते रहना, वोट दे या न दे, मुझको जिताते रहना, दिल से दिल न मिले, दिल से दिल न मिले, लेकिन मुझको जिताते रहना, मंत्री जी तुम्हें मालूम होना चाहिए सुलेमान संजानी को जिससे दिल ही मिलता है उससे कभी हाथ नहीं मिलाता है। एसपी चरण सिंह मिलेगा, ये हाथ मिलेगा। एसपी चरण सिंह सुलेमान संजानी हाथ तो मिलेगा, लेकिन हमारे बीच में कुछ शर्तें भी हैं। बोलो, ये मेरा हाथ दोस्ती की तरह बना हुआ है, मैं अपने धंधे में तुम्हें अपना आधे का पार्टनर बनाता हूँ, लेकिन हाथ मिलाने से पहले कहना आपसे यही है, जो हमारे खिलाफ हम लोगों के खिलाफ तुमने फाइल तैयार की है, पहले वो फाइल हम लोगों के हवाले कर दो, इससे अगर जो फाइल हमारे हाथ नहीं लगी तो हम लोगों को कोर्ट तक जाना पड़ेगा, हो सकता है कि हम लोगों को फांसी की सजा भी हो सकती है। लेकिन जब हाथ मिल जाएगा हम दोस्त हो जाएंगे, तो ये दोस्ती हमेशा हमेशा के लिए पक्की। हम दोनों आज से इस धंधे में आधे आधे के पार्टनर। कुंडे और सुलेमान संजानी की रियासत है, यहाँ पर वही होगा जो हम लोग चाहेंगे। शुक्र मनो संजानी, जब मैं आ गया नहीं तो ऊपर चला जाता। तो बहुत अच्छे मौके पर आ गए थे दोस्त, ये है एसपी चरण सिंह, बहुत बड़ा देश भक्त बनता है, देश का सच्चा सिपाही बनता है। हम लोगों से क्या लगे, और उस चम्मच को देखो, सारा मादा चोट हाथों में हथकड़ी नहीं लगा सकता है।
मुंह देख रहा है, तेरे खून में बहुत गर्मी है ना। नया नया पुलिस विभाग में भर्ती हुआ है। एसपी चरण सिंह अपने आप को सच्चा देशभक्त कहलाता है। तैयार की है, मेरे हवाले कर दो।
रहा है। हो सकती हम लोगों को, इसीलिए तो हम भी इसे कहते हैं कि भाई हम लोगों के हवाले कर दो, जो तुमने सरकारी शहर के खिलाफ तैयार किया है, जिससे कि कानून के हाथ सरकारी साहब के गर्दन तक पहुंच जाए, वो भाई हम लोगों के हवाले कर दो। जिससे मजबूर होकर वो फाइल हम लोगों के हवाले कर दे। संजानी साहब, ये नया नया खून है उसके जिस्म में ना, ऐसे वो फाइल हम लोगों के हवाले कर दे। इसके साथ इसके पास साल सर्कट है, अकड़पन है, और ये कहते गुर्बत है इसके अंदर। अकड़पन करते गुरपति, अकड़पन करते गुरपति, क्या रास्ता चुना है तुमने, जब इसकी बीवी यहाँ पर आ जाएंगे फिर ये मजबूर होकर वो फाइल हम लोगों के हवाले करेगा। कैसे, जब वो यहाँ आएगी हम अकेले नहीं बल्कि तीन तीन चार चार साथ मिलकर उसके साथ कैसे
राजवंशी मेरी धर्म पत्नी को तू लाएगा वक्त का पहिया कब किस वक्त मर जाए ये किसी को नहीं मालूम। इन स्मगलरों की जाल में फंस गया तेरी वजह से और कहीं ऐसा ना हो कि जब तेरी बीवी इस मंत्री के आवाज पर बजाती हुई पायल आए तब तेरा हश्र क्या होगा। उसकी बदनता है खुद लापेगा।